हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या होगा, तो इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके वजह से फोर्स क्रिएट होता है, और जब हम इस मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम देखते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक मैटर है, और जैसे ये कोई एक मैटर है, इस मैटर को हम रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस मैटर को रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस मैटर पे फोर्स क्रिएट होगा, इस मैटर पे फोर्स क्रिएट होगा। तो ये फोर्स क्रिएट हो रहा है मैटर की प्रॉपर्टी के वजह से, मैटर की प्रॉपर्टी के कारण। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मैटर की इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो देखते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस क्यू से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे किसी बॉडी से अगर हम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें, रिमूव कर दें, तो इस बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा और बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ए बॉडी द बॉडी अपीयर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ए बॉडी द बॉडी अपीयर पॉजिटिव चार्ज, बॉडी से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 1। इससे हम क्या किए कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, तो ये हो जाएगा 2, 8 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो इस तरह से जो सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरह से सेकेंड है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज जो है माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। तो व्हेन ए बॉडी रिसीव ए इलेक्ट्रॉन देन बॉडी विल बी निगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है तो बॉडी जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगा बॉडी के ऊपर। जैसे कि इसको हम ऐसे समझ लें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, इस बॉडी में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो इस बॉडी, ये बॉडी जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 होता है। अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये Cl- हो जाएगा, 2, 8, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो वो बॉडी निगेटिव हो जाती है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है। तो और इसमें कुछ नोट्स देखने हैं, जैसे कि मान लीजिए नोट्स ये है कि रिपल्सन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन सेम चार्ज, सेम चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहीं पर एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज है,
तो इसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर एक चार्ज माइनस क्यू हो, दूसरा चार्ज भी माइनस क्यू हो, तो इस केस में भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा, इस केस में भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। जैसे इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसके बाद नोट नंबर 3 में ये है कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी ये होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो इस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि चार्ज को हम विद साइन ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम डिनोटेड बाय सी, चार्ज की यूनिट जो है कूलम होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब यह है कि चार्ज को आप किसी भी स्पीड से मूव कराएं, चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो आपने 11th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसमें ये था कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब चार्ज को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, चार्ज जो है केवल ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बिल्कुल पैक सिस्टम हो, जैसे कि इसको हम ऐसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसे एक हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, बिल्कुल पैक है। आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस सिस्टम में हमने दो तीन बॉल रखे हैं, एक है प्लस टू कूलाम, एक बॉल पे जो चार्ज है वो प्लस फोर कूलाम का है, और तीसरी बॉल पे जो चार्ज है वो प्लस फाइव कूलाम का है, प्लस फाइव कूलाम का है। फिर क्या किए कि इस आइसोलेटेड सिस्टम को सेक किए हैं, सेक करेंगे तो बॉल मूव करेंगे, और सेक करने के बाद जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बॉल है उसमें अलग अलग चार्ज आ गया है। जैसे पहली बॉल में माइनस टू का चार्ज आया, दूसरी बॉल में प्लस थ्री कूलाम का चार्ज आया है, तो थर्ड बॉल पे कितना चार्ज होगा ये हमको निकालना है। तो इसको हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो इसको आप टोटल चार्ज बिफोर ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज बिफोर इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर, टोटल चार्ज आफ्टर। तो यहाँ पे टोटल चार्ज बिफोर जो है टू
पहली बॉल पे 2 है प्लस 4 प्लस 5, यही था 3 बॉल पे चार्ज। और आफ्टर जो चार्ज था पहली बॉल पे माइनस 2 है, दूसरी पे 3 है, प्लस जो थर्ड बॉल है उस पर हम मान ले रहे हैं कि चार्ज x है। तो यहाँ से इधर हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 1 मतलब कि 10 कूलम। तो जो थर्ड बॉल पे जो चार्ज होगा वो 10 कूलम का होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है तो ये है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिवाइड नहीं कर सकते, चार्ज की इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब कि 1e, 2e, 3e, 4e इस तरह से किसी बॉडी पे चार्ज होते हैं। कभी भी चार्ज जो है पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा, चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। इस तरह से कभी भी चार्ज नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल जो चार्ज होता है ये है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज एंड दिस चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एन ई वेयर एन इक्वल टू 1, 2, 3। एन जो है एक इंटीग्रल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर सकते हैं। तो द चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो चार्ज होगा वो होगा q इक्वल टू एन ई होगा। द चार्ज ऑन द बॉडी q इक्वल टू होगा एन ई, जिसमें एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्यू है चार्ज ऑन द बॉडी। तो इस पे हम इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आइए हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है उसी को हम अल्फा पार्टिकल्स कहेंगे। तो यहाँ से हीलियम एटम, और हीलियम जो है ये सिंबल होता है 2He4 का, मतलब कि अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन। न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे हीलियम एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है।
तो इसका मतलब कि हमको n जो है पता चल गया कि 2 होगा, तो हम इजीली निकाल सकते हैं हीलियम एटम पे जो चार्ज जो है q इक्वल टू एन ई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये होगा चार्ज जो है हीलियम, ये इतना चार्ज होगा। हाउ मेनी चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कंडक्टर है -1 कूलम चार्ज, एक कंडक्टर के पास -1 कूलम का चार्ज है, तो हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए -1 कूलम का चार्ज लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में ये -1 कूलम का चार्ज लिखा हुआ है, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि कंडक्टर पे चार्ज जो है एक्सेस में है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि कंडक्टर पे जो चार्ज होंगे वो एक्सेस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमको निकालना है हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर, मतलब हमको स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है, और आपको यहाँ पे क्यू की वैल्यू दिया गया है 1 कूलम। तो यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लीजिए क्यू इक्वल टू एन ई, एन निकालना है तो एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा। क्यू जो है, क्यू जो है 1 दिया हुआ है, ई जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19, +19 हो जाएगा क्योंकि 10 की पावर -90 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो +90 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम डेसिमल प्लेस को एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -19 -1, क्योंकि डेसिमल प्लेस को हम एक डिजिट आगे बढ़ा दिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेस में प्रेजेंट होंगे, एक्सेस में होंगे क्योंकि उसके ऊपर जो कंडक्टर है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज दिया गया है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सेस में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पे नोट में हमने लिखा हुआ है कि -1 कूलम नेगेटिव साइन इंडिकेट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी। माइनस साइन हमेशा इंडिकेट करता है कि बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं और जो है, तो ये क्वेश्चन ये है कि ए कंडक्टर है 2.4 इंटू 10 पावर -18 कूलम चार्ज, इतना पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस या डिफिशेंट ऑन दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हैं या डिफिशेंट मतलब कम है। तो इसमें देखिए जो चार्ज दिया हुआ है ये 2.4 इंटू 10 पावर -18 कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब कि जो आंसर आएगा वो डिफिशेंट में होगा। तो हमको निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि स्मॉल एन की वैल्यू हमको निकालनी है, स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है, और क्यू जो है दिया गया है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। तो इतना चार्ज दिया गया है तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा
क्यू इक्वल टू एन ई, तो हमको एन निकालना है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू हो गए 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन ई जो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एन इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 2.4 और 1.6 को, तो आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 18 प्लस 90, ये ऊपर जाएगा प्लस 90 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 1, मतलब कि 1.5 इंटू 10 इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो उस कंडक्टर पे इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इतने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, इतने इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंसी है, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैलकुलेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ 7N14। 7N14 के न्यूक्लियस पे हमको चार्ज निकालना है, तो इसमें हम जानते हैं कि 7N40 में नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो गया, तो हमको स्मॉल n की वैल्यू पता चल गई 7। हमको चार्ज निकालना है तो q इक्वल टू एन ई, एन 7 है, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, इतने कूलॉम का चार्ज होगा इसके ऊपर। इसके बाद हमने एक नोट्स, यही इसका आंसर होगा, इसके बाद एक नोट्स लिखे हैं इसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इसको लिखे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल स्पीसीज, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इससे हम इजीली जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसको करते हैं, जैसे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 7N40, 11Na+ और 17Cl-, इन तीनों में हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप नाइन्थ में पढ़े होंगे। तो जैसे कि 7N14, इसमें एटॉमिक नंबर है 7, तो प्रोटॉन्स जो होगा वो भी 7 होगा, और इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, तो 7 होगा। ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 7 होगा, प्रोटॉन के ही इक्वल होगा। इसके बाद देखिए, जैसे Na+ में तो Na+ में जो एटॉमिक नंबर होगा इसका वो होगा 11। एटॉमिक नंबर जो है 11 है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा 11। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो होगा 11-1, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 10। इसी तरह से हमको Cl- में निकालना है, तो Cl- के लिए
एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 होगा, एटॉमिक नंबर होगा 17। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 17+1। 17+1 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हम न्यूट्रल स्पीसीज और चार्ज स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि कैन ए चार्ज ऑफ इतना 3.2×10⁻¹⁹ कूलम कैन बी गिवेन टू ए बॉडी, मतलब इतने कूलम का चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल एन की वैल्यू निकालते हैं। अगर स्मॉल एन की वैल्यू इंटीग्रल नंबर में आएगा, इंटीग्रल नंबर है तो चार्ज हम दे सकते हैं, अगर इंटीग्रल नंबर नहीं है तो चार्ज नहीं दे सकते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू आपको दिया है 3.2×10⁻¹⁹ कूलम। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू होगा एन ई, तो एन इक्वल टू हो जाएगा q/e। क्यू जो है दिया है 3.2×10⁻¹⁹ और ई जो है 1.6×10⁻¹⁹। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एन इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए एन जो है इंटीग्रल नंबर है, एन जो है इंटीग्रल नंबर है, इसलिए हम कंडक्टर को 3.2×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज जो है दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पढ़ाई करते रहे, और एक चीज़ और है कि चैनल्स को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इस चैनल पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के वीडियो अपलोड करेंगे, होल सिलेबस के, जो बोर्ड लेवल के होंगे और नीट के लिए होंगे स्पेशली, जो नीट में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि नीट एग्ज़ाम आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका 11th 12th जो है काफ़ी बेस क्लियर होगा, तभी आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।